गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का वीडियो बनाया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो अपलोड नहीं हो सका। आज मैं वीडियो ले रहा हूँ आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। इसमें क्या होता है, त्रिभुज में दो भुजाओं को समानुपातिक विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये सिद्ध करना है। तो आपको दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एडी बटा डीबी इज इक्वल टू ए बटा बीसी, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये हमारी जो डी भुजा है ना वो बीसी के समांतर है, ये दोनों भुजाएं क्या है समांतर। तो सिद्ध करना है डी समांतर बीसी। अब आता है इसमें रचना। रचना में हम क्या कर लेते हैं, बीसी के समांतर मान लिया रेखा डी एफ है। क्या किया, बीसी के समांतर कौन है डी एफ, तो आप लिखेंगे बीसी डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखो दिया हुआ क्या है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, तो लिख लेते हैं एडी बटा डीबी बराबर है किसके, ए बटा ईसी। ये इक्वेशन नंबर एक कहां से आई, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप जानते हैं चूंकि डी एफ समांतर किसके है बीसी के, डी एफ किसके समांतर है बीसी के, क्यों कहां से आए, रचना से किया है हमने। और आप जानते हो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में क्या होता है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समानुपातिक विभाजित करती है। तो जब ये डी एफ बी सी के समांतर है तो ये डी एफ ए पी को डी पर काटती है और ए सी को एफ पर काटती है, तो इसका अनुपात होगा ए डी बटा डी बी का अनुपात किसके बराबर होगा, ए एफ बटा एफ सी। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। कहां से आए, ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, कहां से आए। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एडी बटा डीपी एडी बटा डीपी, यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो जब दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक व दो से, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है ना, तो राइट हैंड साइड और आप लिख सकते हैं ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, डी ई समांतर बी सी, तो हम जानते हैं कि किसी इक्वेशन के दोनों पक्षों में एक समान संख्या जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी इक्वेशन जैसी है उसी रूप में रहती है। अब लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आया ई सी, इसी को एक से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा इसी, इसी को इसी से डिवाइड करो क्या आएगा एक,
और एक को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हो जाएगा ए। यहां एलसीएम होगा एफसी, एफसी को एफसी से भाग दो एक बार, एक को एफ से गुणा करेंगे एफ, प्लस एफसी को एक से गुणा करो एफसी। अब डायग्राम में देखो ई सी बटा ए ई, देखिए ई सी और ए ई को जोड़ने से क्या बनती है, एस सी बटा ई सी। एफ और एफ सी, एफ ये रही और एफ सी ये रही, दोनों को जोड़ो क्या बनती है, एस सी बटा एफ सी। अब देखो ऊपर इसमें भी एसी और इसमें भी क्या है, एसी, तो एसी एसी कैंसिल, क्या बच गया, इसी बराबर है एफ सी। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसी का गुणा एक से करेंगे इसी और एफ सी का गुणा एक से करेंगे एफ सी। देखो हमने क्या सिद्ध कर दिया, इसी ये रहा इसी, किसके बराबर सिद्ध किया है, एफ सी के, एफ सी। क्या वास्तव में चित्र में देखो इसी और एफसी बराबर है, नहीं है, लेकिन हमने यहां बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब हमने सिद्ध किया वो बात क्या है, सही। और ये कब संभव है, जब एफ बिंदु ई का संपाती होगा, तो लिखेंगे किंतु यह तभी संभव है जब एफ बिंदु ई का संपाती हो, ठीक है, अर्थात क्या होगा, डीई समांतर बीसी इति सिद्धम। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि डीई है वो बीसी के समांतर है। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप अपने ग्रुप में भेज दीजिए और मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। धन्यवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर होगा।